हेलो दोस्तों, आज हम हैं बेंगलोर के बरनघट्टा नेशनल पार्क में और आप यहां देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है। तो चलिए टिकट लेते हैं। यहां से ऑनलाइन टिकट प्रिंट होता है। जू और सफारी का टिकट कम्बाइंडली 400 रुपये का आता है और 50 रुपये का बटरफ्लाई पार्क का टिकट अलग से लेना होता है। तो सफारी के लिए चलते हैं सबसे पहले, फिर जू की तरफ चलेंगे। तो बस में हम लोग बैठ चुके हैं और बस जाने के लिए तैयार है। तो चलिए सैर करते हैं। वेलकम टू जंगल, जंगल का नज़ारा लेते हैं। तो सबसे पहले हिरण का झुंड देखने को मिल रहा है। हाथी को खुले में आप देख सकते हो यहाँ पे। वो देखो, झाड़ी के पीछे जंगल का राजा शेर बैठा हुआ है। जंगल के और अंदर चलते हैं। जाने के लिए जंगल का मेन दरवाज़ा खोला जा रहा है। जंगल के अंदर आपको और ज़्यादा वाइल्ड एनिमल देखने को मिलने वाले हैं। टाइगर को पिंजरे के अंदर टहलते हुए आप देख सकते हैं। यहाँ पे वाइट टाइगर भी है।
अब हम बटरफ्लाई पार्क की तरफ चलेंगे। बच्चों के खेलने के लिए भी काफ़ी जगह है यहाँ पे। तो यह है बटरफ्लाई पार्क का मेन गेट जिससे अंदर जाएंगे हम। बटरफ्लाई के शेप में यह बनाया हुआ है। अंदर का नज़ारा काफ़ी पसंद आएगा और फोटो लेने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है यह। यह वही मकड़ी है जिसने स्पाइडरमैन को काटा था। बाकी मकड़ियों से काफ़ी अलग लग रहा है यह। बटरफ्लाई को खाने के लिए पाइनएप्पल, वाटरमेलन एंड ऑरेंज रखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारी कलरफुल मछलियाँ हैं। यहाँ पे छोटा सा एक वाटरफॉल बनाया हुआ है जो आप देख सकते हैं। बटरफ्लाई को मैरीगोल्ड फ्लावर के ऊपर बैठकर एंजॉय करते हुए आप देख सकते हो काफी पास से। अंदर जाने पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कीड़े मकोड़े का अवशेष देखने को मिलेगा। बहुत सारे रेयर स्पीसीज जो आसानी से आप बाहर में नहीं देख सकते हो यहाँ पे आप देख सकते हो। चलिए अब हम चलते हैं जू की तरफ। यहाँ पे पूरे जू का मैप लगा हुआ है। इसका एक फोटो लेकर मैप देखते हुए पूरे जू का आनंद लेंगे हम। यह है टाइग्रेस जिसका नाम अनुष्का है जो अभी सो रही है। कछुओं को खाने के लिए गाजर रखा हुआ है। जू में स्कूल की तरफ से बच्चे भी आए हुए हैं जू घूमने। यहाँ पे आप भालू को देख सकते हैं। और यह रहा ऑस्ट्रिच। यह वाइल्ड डॉग है जो सो रहा है अभी। यहाँ पे बोटिंग की भी सुविधा अवेलेबल है तो चलिए बोटिंग की तरफ चलते हैं और बोटिंग करते हैं।
यहाँ पे टू सीटर वाले बोट का चार्ज 200 है और फोर सीटर वाले का 400, ग्रुप वाले बोट का 50 रुपीज़ है जिसमें आप सिर्फ बैठ सकते हो। हम दो सीटर वाला लेने वाले हैं। पानी के बीचों बीच हैं हम और फाउंटेन के पास नहीं जाना है, किनारे से ही राउंड लगाना है और हमें 10 मिनट का टाइम मिला हुआ है। बोटिंग हो गई, अब जू के बाकी हिस्सों में चलते हैं। या उल्फ है जो इधर उधर घूम रहा है। यहाँ पे पैरोट की बहुत सारी प्रजातियाँ हैं, व्हाइट पैरोट, ब्लैक पैरोट और बहुत सारे तरह की पैरोट देखने को मिलती है यहाँ पे। मोर की भी बहुत सारी प्रजातियां हैं यहाँ पे और यहाँ पे व्हाइट मोर भी देखने को मिलता है। और यार रहा गिरगिट, इतना बड़ा गिरगिट आज तक मैंने अपने जिंदगी में नहीं देखा था। नॉर्मल गिरगिट से लगभग 10 गुना बड़ा है यह वाला। सांप ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, कुछ ही देखने को मिला हमें। ये वहाँ दूर पे जिराफ है। बहुत सारे जेब्रा भी हैं यहाँ पे। तो अभी जू से बाहर आ गए हैं हम और यहाँ आसपास में बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पे हैंडमेड चीज़ें मिलती है, खाने के भी बहुत सारी दुकानें हैं। तो दोस्तों, बेंगलोर का यह जू कैसा लगा कमेंट में बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।